नमस्कार, दिल से अभिनंदन। स्वागत है योगा क्लास में। आज हम कुछ नए योगा करेंगे। सबसे पहले आप जमीन पर कुछ इस तरह से देख जाएं। शवासन, पेट के बल लेटिए, पैर जुड़े हुए, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, आप जगदाव के पास और आंखें बंद करें। गहरी सांस भरे, दोनों पैरों के बीच का फासला बढ़ाए, पैरों की उंगलियां अब भी बाहर की ओर, एक नज़र जमीन पर टिकी हुई। हाथों को जमीन पर ऐसे रखें कि वो शरीर के किसी भी हिस्से को न छुए। अकेलियां छत की तरफ। सांस छोड़ते समय शरीर से सारा तनाव रिहा करने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को मन की आंखों से देखते हुए उसके हर हिस्से को विश्राम कराएं। सांस पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास की गति सहज और सहज होती चली जाए। आप इस आसन का अभ्यास किसी भी वक्त कर सकते हैं और खासकर ये पूरी तरह से कायाकल्प करता है। पेट के बल किए हुए सारे आसनों में शवासन ही शिथिलता प्रदान करने वाला आसन है, यानी तन और मन योगा अभ्यास के लिए तैयार है। अर्थहलासन, एक पैर से शवासन की स्थिति से दोनों पैर मिलाए, हाथ शरीर के पास, अधेड़ियां जमीन पर टिकी हुई, दाएं पैर को घुटने से बिना मोड़े उठाएं, पैर और पंजे बाहर की तरफ डालें, शरीर से 90 डिग्री तक पैर को उठाएं और जब तक बिना असुविधा के स्थिति में रह सके रहे। याद रहे, श्वास प्रश्वास सामान्य गति में चलती रहे। धीरे से पैर को जमीन पर लाते हुए आसन से बाहर निकले। अब दूसरे पैर के साथ दोहराएं। ये अर्धहलासन है। इसे ये नाम दिया गया क्योंकि अंतिम स्थिति में शरीर हल समान नजर आता है। ये पैर पेट और कमर के लिए लाभदायक है। ये जंघाओं और पिंडलियों को प्रबल बनाता है। जंघाओं के पिछले भाग व नितंब में खिंचाव लाता है एवं आग गुर्दों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। अब विश्राम करें, श्वास लें, 10 सेकंड तक शवासन करें। उत्तान पादासन। शवासन की स्थिति से दोनों पैर मिलाएं, हाथ शरीर के पास, अधेड़ियां नितंबों के नीचे ले जाएं, दोनों पैरों को उठाएं और घुटने मोड़े बिना ही जमीन से 30 डिग्री ऊपर पहुंचने पर वहीं रुक जाएं व 5 सांस भरने तक इसी स्थिति में बने रहें। उसी तरह 60 डिग्री पर रुकिए और अंत में जमीन के 90 डिग्री पर। हर बार 5 सांस भरने तक स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। 60 डिग्री और 30 डिग्री पर रुकते हुए श्वास सामान्य गति से लें। पेट के पूरे हिस्से के लिए उत्तान पादासन बहुत फायदेमंद है। पूरे सीने और पूरी पीठ को ताकता है। अर्थ पवन मुक्तासन। शवासन की स्थिति से पैरों को मिलाएं और हथेलियों को शरीर के पास रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए, जितना हो सके जंघा को पेट के पास लाएं, दोनों हाथों से दाएं पैर को लपेट लीजिए, घुटने के नीचे उंगलियों को एक दूसरे में डालते हुए दूसरा पैर जमीन पर ही सीधा टिका रहे, पैर आरामदायक स्थिति में रहे, जंघा को पेट की तरफ दबाएं, धीमी गति से विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकलें। अब दूसरे पैर के साथ दोहराएं। बदहजमी में ये आसन हितकारी है। पेट नितंब और जंघाओं को तानता है, शरीर के निचले हिस्से को सुडौल और लचीला बनाता है, कमर तक में लाभप्रद है और पेट के निचले हिस्से के लिए अत्यधिक लाभकारी है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये आसन जोड़ियों में होते हैं। अधिकतर आसन परिपूरक है। सेतु बंध आसन। पैरों को जोड़िए और हाथों को शरीर के पास रखिए, घुटनों को मोड़कर पैरों को जितना हो सके कूल्हों के पास लाएं।
तलवे जमीन पर हो और घुटने छत की तरफ। पैरों के टखनों को हाथों से पकड़िए, तलवे जमीन पर ही रखते हुए टखनों को पकड़ते हुए कटी प्रदेश को जमीन से ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए कंधों के सहारे से शरीर को संतुलित करें। आखिरी स्थिति में आकर सामान्य तरीके से सांस लें। सुविधा अनुसार इस स्थिति में बने रहें। शुरुआत में ऐसा 30 सेकंड से ज्यादा ना करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में जमीन पर लौट आइए। ये अवसाद, तनाव और अनिद्रा के लिए लाभदायक है। कटी वक्रासन। शवासन में लेटे रहे, बॉडी को रिलैक्स करें। ब्रीदिंग इनहेल, एक्सहेल, शरीर को एकदम आरामदायक स्थिति में ले जाएं। अच्छा अच्छा सोचिए, धीरे धीरे आंखें खोलें। शवासन हर आसन के पहले एवं बाद में किया जाने वाला आसन है। हर आसन के बाद और पहले बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, जिसके लिए हम शवासन करते हैं। अब बाएं करवट लीजिए और धीरे से उठ जाइए। ध्यान रहे, हमेशा बाएं करवट से ही हमें उठना है। रीढ़ की हड्डी के बल नहीं उठना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी बैक बोन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस बात का तो हमेशा ध्यान रखें कि बाएं करवट से ही उठें। ऐसा नहीं कि योगा करने के बाद ही बाएं करवट से उठें। जब भी हम लेटे हुए हैं सोने की स्थिति में या रेस्ट करने की स्थिति में, जब भी हम लेटे हुए हैं उसके बाद जब हम उठते हैं तो हम हमेशा बाईं करवट से उठें, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छे से घर पर अभ्यास भी कर रहे हैं, योगा का अभ्यास कर रहे हैं ना, और फ़ायदा भी उठा रहे हैं इस चीज़ का। आपको सबको योगा करना है डेली रूटीन में और अपने पेरेंट्स के साथ करना है। ठीक है, बाय, टेक केयर।